तो दोस्तों लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए ये मस्त वीडियो जहां पर मैं बताने वाला हूँ 1000 रुपए के अंदर बेस्ट ईयरबड्स अभी कौन से। और हाँ, सेल चल रही है तो प्राइस डाउन है, अभी ग्रैब कर सकते हो। तो पांचों ईयरबड्स की बात करने से पहले बता दूं कि सभी ईयरबड्स की जो माइक्रोफोन की क्वालिटी है ना, वो मैंने एंड में डाली हुई है, या फिर जो उनका आउटपुट है तो वो सुन जरूर लेना। अगर आप सोच रहे हो ना कि भाई माइक्रोफोन का आउटपुट कैसे रहने वाला है, तो वहां पर आपको आउटपुट भी पता लग जाएगा। तो नंबर 5 पे जो मैंने ईयरबड्स रखे ना, वो है नॉइस के एरो। काफी अंडररेटेड ईयरबड्स हैं, काफी कम लोगों ने इसके बारे में बात करी, और भाई ये सिर्फ 750 रुपए के आसपास आपको मिलेंगे। अब इनकी बात करते हैं। सबसे पहले मैट डिजाइन के साथ आते हैं, इन ईयर डिजाइन है, कानों में फिटिंग बहुत जबरदस्त आती है और स्क्रैचेस नहीं आते मैट डिजाइन की वजह से। फीचर लोडेड है, यहां पर आपको 45 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है, जो कि काफी बड़ा नंबर है इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर। और फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी दे रखा है, 10 मिनट में 120 मिनट का आउटपुट आराम से ले पाओगे। ब्लूटूथ 5.3 की कनेक्टिविटी, तो कनेक्टिविटी काफी सही मिल जाती है। और दोस्तों गेमिंग के लिए 50 ms की लो लेटेंसी है, तो मतलब अगर आप गेम खेलना चाहते हो या फिर म्यूजिक वगैरह भी सुन रहे हो यूट्यूब पे, तो भाई कोई भी डिले वाली जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। अच्छा, यहाँ पर आपको 13 mm के ऑटो ड्राइवर और IPX4 की रेटिंग भी मिल जाती है। और यहाँ पर अगर माइक्रोफोन की आउटपुट की बात करूँ ना, देखो जिस तरीके से यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, वहां पर तो क्वालिटी काफी बढ़िया आती है, लेकिन अगर आप आउटडोर में जा रहे हो तो वहां पर भाई शोर वगैरह आता है। तो डिसेंट में बोलूंगा, बहुत ज्यादा प्रो नहीं और बहुत ज्यादा खराब भी नहीं, इस प्राइस ब्रैकेट में इतना ही आपको माइक्रोफोन का आउटपुट मिल पाएगा। और अगर आप रूम वगैरह में कॉलिंग कर रहे हो तो सही रहेगा आउटपुट। अब यहाँ पर ऑडियो की बात कर लेते हैं, 13 mm के ऑडियो ड्राइवर यहाँ पर आपको काफी सही आउटपुट देते हैं। बेस आउटपुट बढ़िया, लाउडनेस ठीक मिल जाती है और यहाँ पर आपको क्लियर मिल जाती है क्वालिटी, लेकिन क्रिस्पनेस थोड़ी सी यहाँ पर आपको मतलब कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑडियो क्वालिटी आपको डिसेंट मिल जाती है। और इसका जो बेस्ट बाय लिंक है ना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके बाय कर सकते हो, क्योंकि मिंत्रा पे अवेलेबल है। गाइस, 4th नंबर पे जो ईयरबड्स रखे हैं ना, वो है बोट के अल्फा। अब ये रखने का रीजन यही है कि भाई जिन लोगों को हाफ इन ईयर पसंद है, उन लोगों के लिए कोई बात नहीं करता, तो भाई मैं यहां पर डाल देता हूं हर बार कि भाई हाफ इन ईयर के अंदर भी ये एक ऑप्शन हो सकता है बेस्ट। तो ये अल्फा मॉडल है जो कि फ्लिपकार्ट में मिल जाएंगे 899 के। और इनकी बात करते हैं, सबसे पहले क्यूट सी छोटी सी डिजाइन यहाँ पर, मतलब छोटे से ईयरबड्स आते हैं, पॉकेट में जो जींस की छोटी वाली पॉकेट है ना, वहां पर भी भाई आराम से फिट हो जाते हैं। और ये हाफ इन ईयर है ना, तो उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छी तरीके से फिट होते हैं जिनको वो रबर वाले नहीं फिट हो पाते। मेरे भी कानों में वैसे फिट हो जाते हैं, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से नहीं, क्योंकि मेरे कानों में इन ईयर आते हैं। और ऐसा नहीं कि फीचर्स लोडेड नहीं है, फीचर्स भी कमाल के हैं। 35 घंटे का बैटरी बैकअप है, जो कि काफी बड़ा नंबर है। और यहाँ पर आपको 10 मिनट के अंदर 120 मिनट का फास्ट चार्जिंग का आउटपुट मिल जाता है। कनेक्टिविटी अच्छी मिल जाती है ब्लूटूथ 5.3 के साथ। और यहाँ पर आपको IPX5 की रेटिंग मिल जाती है, तो भाई स्वेट प्रूफ है, तो हल्का फुल्का पसीना आएगा भी ना, कोई दिक्कत नहीं है। और गेमिंग के लिए 50 ms की लो लेटेंसी, तो अगर आप गेमिंग वगैरह करना चाहते हो, म्यूजिक सुनना चाहते हो यूट्यूब वगैरह पर, तो सिंक काफी बढ़िया और क्लियर हो जाता है, जहां पर आपको लिपसिंक में कोई मिसमैच नहीं मिलता। बाकी जैसे मैं बोलता हूँ, माइक्रोफोन का आउटपुट एंड में डाला हुआ है, तो वो सुन के जरूर जाना। दोस्तों बात करते हैं ऑडियो क्वालिटी की, तो भाई यहाँ पर आपको बढ़िया ऑडियो क्वालिटी मिल जाती है, मतलब यहाँ पर बेस क्वालिटी काफी जबरदस्त मिल जाती है। और यहाँ पर ना वोकल की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर मैं कहूंगा क्लियर तो मिल जाती है, थोड़ी सी क्रिस्पीनेस में थोड़ी सी कमी रह गई। और यहाँ पर ना लाउडनेस भी काफी बढ़िया मिल जाती है। अब यहाँ पर एक छोटी सी कमी और भी लग सकती है, कि बेस आउटपुट थोड़ा सा ओवरकम करता है वोकल्स को और ट्रेबल को, तो थोड़ा सा ना डोमिनेट करता है बेस आउटपुट यहाँ पर, और लाउडनेस ठीक है यहाँ पर इस बजट के अंदर। प्राइसिंग मैंने बता दिया भाई, 899 के अंदर अवेलेबल है, जाके बाय कर सकते हो, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। 3rd नंबर पे जो ईयरबड्स रखे ना, ये मैं 2-3 बार ऐड कर चुका हूँ, काफी लोग बोलेंगे भाई हर बार आप इन्हें ऐड करते हो, तो रखने का रीजन भाई यही है सिंपल सा, कि भाई इनकी जो लुक बिल्ड डिजाइन और जिस प्राइस के अंदर आ रहे ना, वो बहुत कमाल के हैं। ये है क्रैकन के X1, काफी लोग बोल रहे हैं X2 भी ले सकते हो, लेकिन मुझे ये काफी पसंद आ रहे थे, इसलिए मैं बार बार इसे रख रहा हूँ। और भाई जिन्होंने नहीं लिया ना, कंसिडर या फिर देख सकते हो। सबसे पहले इसकी जो लुक बिल्ड डिजाइन है भाई, बहुत अमेजिंग लगी, आईस वाली जो लुक है वो बहुत बढ़िया लगी मुझे। इसके बाद ऐसा नहीं कि फीचर लोडेड नहीं है भाई, फीचर से लोडेड है। 40 घंटे का बैटरी बैकअप, फास्ट चार्जिंग, 90 मिनट के अंदर फुल चार्ज हो जाते हैं, टच कंट्रोल यहां पर आता है, ब्लूटूथ 5.3 की कनेक्टिविटी, साथ में गेमिंग मोड है 40 ms लो लेटेंसी के साथ, ड्यूल माइक दे रखा है एक ईयरबड में, तो भाई माइक्रोफोन की क्वालिटी भी ठीक मिलने वाली है, बाकी मैं आउटपुट सुनाई दूंगा आपको। और 10 mm के ऑडियो ड्राइवर, साथ में IPX4 की रेटिंग भी है, तो ये सारे फीचर है। और भाई लाइटेस्ट आइटम फुल दे रखे हैं इसके अंदर, तो माइक्रोफोन का आउटपुट एंड में मिल जाएगा। ऑडियो क्वालिटी की बात करते हैं भाई, यहां पर ना भाई मुझे ऑडियो क्वालिटी काफी बढ़िया लगी, जहां पर आपको लाउडनेस काफी बढ़िया मिल जाती है, साथ में जो बेस क्वालिटी है वो भी बढ़िया है। और यहां पर अगर आप वोकल्स की बात करो, तो वोकल्स क्वालिटी भी काफी क्रिस्प और क्लियर मिल जाएगी इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर। आई थिंक काफी लोग अगर सुनेंगे ना, तो काफी लोग ये बोलेंगे भाई 1000 रुपए के अंदर कैसे आ रहे हैं ये वाले ईयरबड्स, क्योंकि काफी क्रिस्प और क्लियर और इवन जो बेस क्वालिटी काफी प्रॉपर दे रखी है और ट्यूनिंग अच्छी कर रखी है इन ईयरबड्स की। बाकी प्राइसिंग है 949 अभी ये मिल रहे हैं, और कभी कभी इसके प्राइसिंग 799 भी था, और कभी कभी ये 1300 रुपए के अंदर
भी होते हैं। तो जैसे मैं बोल रहा था ना शुरुआत में, भाई अभी सेल का टाइम है, जाके ले सकते हो जल्दी से इन ईयरबड्स को। गाइज नंबर सेकंड पे जो हमने ईयरबड्स रखे ना भाई, वो कुछ अलग ही चीज थी भाई। मैं अभी देख रहा था अमेजोन पे, मैंने सर्च मारे थे भाई कुछ अलग अलग डिजाइन वाले, भाई ये निकल के आ गए। और इनकी जो डिजाइन है भाई, बिल्कुल ऐसा लगता है कि रेडियो या फिर वो बाजा नहीं आता था पहले जमाने में, वैसा कुछ कुछ लगता है। इनकी बात कर लेते हैं, ये है क्रॉसबीट के X50। अब ये सिर्फ मैंने बाय करे 899 के, वैसे इनकी प्राइसिंग कभी कभी 799 भी थी, अभी इतने के मिल रहे थे मुझे, तो भाई मैंने ले लिए। सबसे पहले इनकी लुक बिल्ड डिजाइन बढ़िया, आरजीबी के लिए भाई यहाँ पर आपको कलर वगैरह चेंज करने के लिए मोड भी मिल जाता है, कलर चेंज कर लो। ईयरबड की डिजाइन इन ईयर है, फिटिंग अच्छी आ जाती है, और यहाँ पर फीचर भी काफी लोडेड है, जैसे कि 40 आवर्स का बैटरी बैकअप, 40 एमएस की लो लेटेंसी, फास्ट चार्जिंग यहाँ पर मिल जाती है, IPX5 की रेटिंग मिल जाती है, क्वाड माइक इसके अंदर दे रखे हैं, क्या चाहिए तुम्हें भाई, और लुक्स तो काफी अमेजिंग है। लेकिन अब बात करते हैं इसके माइक्रोफोन की, वो मैंने हैंड में डाला हुआ है। अब बात करते हैं इसके ऑडियो क्वालिटी की, तो यहाँ पर ऑडियो क्वालिटी काफी लाउड मिल जाती है। सबसे पहली बात यही है कि भाई मैं सब सुन रहा था ना, मैंने फुल वॉल्यूम करा, यहाँ पर भाई लाउडनेस काफी है, डिस्टॉर्शन नहीं आती, ये अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर बेस क्वालिटी थोड़ी सी ज्यादा कर रखी है, मैं कहूंगा ट्रेबल वाला पार्ट थोड़ा सा नीचे कर रखा है, तो उसकी वजह से होता है कि वो क्रिस्पीनेस या फिर मैं बोलूंगा जो झनकार वाली चीजें होती है वो थोड़ी सी दब जाती है। वोकल क्वालिटी यहाँ पर आपको क्लियर मिल जाएगी, क्रिस्पीनेस अभी भी कहूंगा थोड़ा सा कम है, लेकिन हाँ 1000 रुपए के नीचे आ रहे हैं तो जितने भी ईयरबड्स आते हैं ना ज्यादातर भाई उनकी ऑडियो क्वालिटी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज रहता है, तो 1000 रुपए के हिसाब से मैं कहूंगा काफी सही ऑडियो आता है। जहां पर मैंने देखा इंडियन यूजर को, ज्यादातर बोल रहा हूँ कि भाई उनको ना थोड़ी लाउडनेस और बेस क्वालिटी ज्यादा पसंद होती है, लेकिन जिन लोगों को ये सारी चीजें नहीं पसंद उनके लिए अगला ईयरबड है। लेकिन हाँ ईयरबड्स की बात करने से पहले एक चीज तो सुन लो भाई, इस तरह के जो ईयरबड्स होते हैं या फिर वॉचेस होती है भाई, इनको हम सेल कर देते हैं 30-40-50% तक भी ऑफ पे हम सेल कर देते हैं, वो भी अपने इंस्टाग्राम के पेज पर। इस तरह से स्टोरी डाल देता हूं मैं अपने पेज पे, भाई जो भी रिव्यू नोट होती है ना हमारे पास वो हम सेल कर देते हैं। और काफी सारे गैजेट भी होते हैं, जरूरी ईयरबड्स और स्मार्ट वॉचेज हो, तो अगर आपको सस्ते में लेने ना ईयरबड्स, सेल से भी सस्ते अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी, तो भाई हमारे पेज को यहां पर आ रहा होगा, फॉलो कर लो और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, और भाई बढ़िया बढ़िया चीजें आप ग्रैब कर सकते हो। बाकी बात करते हैं नंबर वन पे जो ईयरबड्स रखे हैं भाई, ये हैं Redmi Active 4 या फिर आप बोल सकते हो पोको बड्स, दोनों सेम ही है, मतलब यहां पर आपको बस डिजाइन वगैरह में फर्क मिलेगा। और यहाँ पर एक चीज बता दूं भाई, Redmi वाले की बिल्ड क्वालिटी मेरे को थोड़ी सी ज्यादा बेटर लग रही थी, मतलब डिजाइन वगैरह बिल्ड तो वही है, बस छापा अलग है, तो पोको वाले ना थोड़े सी चीप लग रहे थे, मैंने इसलिए कंसीडर नहीं करे। वैसे 100 रुपए का फर्क है उसके अंदर, वो 899 के हैं पोको वाले और ये 999 के, भाई अपने अकॉर्डिंग कोई सी भी ले सकते हो। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ क्या चीज इसके अंदर मिल जाती है। सबसे पहले बिल्ड डिजाइन भाई ठीक ठाक मिल जाती है इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि जब ये लॉन्च हुए थे तो 1400 रुपए रखा था प्राइस, तो मुझे लग रहा था भाई 1400 के हिसाब से तो ठीक नहीं है, लेकिन 899 और 999 के हिसाब से मैं डिसेंट बोलूंगा। बाकी यहाँ पर आपको फीचर भी सही मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको 30 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलता है, फास्ट चार्जिंग दे रखी है इसके अंदर, और यहाँ पर आपको गूगल पेयर वाला ऑप्शन मिलता है। इस बजट के अंदर 1000 रुपए के अंदर भाई कहीं भी आपको गूगल पेयरिंग वाला जो ऑप्शन है नहीं मिलेगा, थोड़ा सा बढ़िया लगता है, मतलब आपका जो ईयरबड्स है वो केस वहां पर शो हो जाता है, कनेक्टिविटी काफी सही रहती है, तो ये चीज मिल जाती है। IPX4 रेटेड भी है, तो मतलब अगर थोड़ा बहुत पसीना आ रहा है या फिर कोई बूंदाबांदी हो गई तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, झेल जाएंगे। गेमिंग के लिए यहाँ पर 60 ms का लो लेटेंसी मोड दे रखा है। आप देखो जितने भी ईयरबड्स मैंने बताया ना उनके अंदर 40-50 आता है, लेकिन 40-50 काम नहीं करते, मतलब 40 है तो 50 काम करता है, 50 है तो 60 काम करता है, लेकिन यहाँ पर 60 ms दे रखा है वो प्रॉपर काम करता है। ये हमने नोट भी कर रखा है, फुल वीडियो कर रखी है, अगर वो देखनी हो तो यहाँ पर जाके देख सकते हो। साथ में ऐप सपोर्टेड है भाई, मैंने जैसे बताया ना जितने ईयरबड्स हैं उनमें ऐप सपोर्ट नहीं थे, इसमें आपको ऐप सपोर्ट मिल जाता है, जहाँ पर आपको 2-4 चीजें आप कर सकते हो, जैसे गेमिंग मोड वगैरह चेंज करना हो या फिर अपनी बैटरी वगैरह शो देखनी हो तो भाई वो कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको 12 mm के ऑटो ड्राइवर मिलते हैं। अब यहाँ पर इसको जज मत करना कि 12 mm के तो भाई बहुत लाउडनेस आएगी, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी देता हूँ। माइक्रोफोन का आउटपुट मैंने एंड में डाला हुआ है, और यहाँ पर बात करते हैं ऑडियो क्वालिटी की, तो जिन लोगों ना वो आर्टिफिशियल बेस आउटपुट नहीं पसंद, बहुत ज्यादा लाउडनेस ही पसंद, जिनको एक प्रॉपर जो म्यूजिक होता है जैसा कि म्यूजिक बज रहा है सेम वैसे सुनना है, पॉडकास्ट सुनना है, गेमिंग करनी है, उनके लिए ईयरबड्स है। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा लाउडनेस ही मिलेगी, मतलब डिसेंट है, जितना आपको चाहिए हो उतना मिल जाता है, और आर्टिफिशियल बेस क्रिएट करने की कोशिश नहीं है। तो यहाँ पर आपको वोकल्स क्लियर मिलेंगे, बेस आउटपुट ठीक ठाक मिलेगा आपको, और लाउडनेस भी आपको ओके टाइप मिलेगी, उस तरह के ईयरबड्स हैं ये। तो मैंने बता दिया भाई, जिनको वो बेस लाउड और क्रिस्पीनेस चाहिए वो वाले चुन लेना जो 5 से लेके 2 तक बताएं, वरना जिनको इस तरह के ईयरबड्स पसंद है ये वाले भी चूज कर सकते हो। और इसके बाद सभी ईयरबड्स के माइक्रोफोन का आउटपुट सुन लो ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए। बाकी ये है नॉइस के एरो के माइक्रोफोन का आउटपुट, तो भाई ऐसा कुछ आउटपुट रहता है, मेरे हिसाब से डिसेंट सा है, मतलब इंडोर के अंदर ठीक ठाक काम करता है, आउटडोर में जाओगे तो थोड़ी सी नॉइस रहती है अगर आउटडोर में नॉइस है तो। ये है इसके माइक्रोफोन का आउटपुट, इंडोर कंडीशन में यूज कर रहा हूँ, एसी की हल्की फुल्की हवा अगर ये पकड़ पा रहा है तो ENC का ढंग से काम नहीं कर रहा। अभी यहाँ पर कोई शोर वगैरह तो है नहीं, तो ऐसा कुछ आउटपुट मिलेगा, और ये 1000 रुपए के अंदर कुछ ऐसा ही आउटपुट आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। अगर मैं थोड़ा टेबल वगैरह की आवाज ऐसे क्रिएट करता हूँ तो ऐसा आउटपुट आपको देखने मिलेगा।
बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको माइक्रोफोन का आउटपुट कैसा लगा। जो माइक्रोफोन का आउटपुट आप सुन रहे हो ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ट्रिगर के क्रैकर ईयरबड से। यहाँ पर कुछ आउटपुट कुछ ऐसा आता है इंडोर के अंदर, जब भी आप इससे बात करोगे ना तो ये आउटपुट जाने वाला है कॉलिंग। और ये ऑडियो है कॉस्मो बर्ड्स X50 का। तो भाई ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहता है जब भी आप इन ईयरबड से कॉलिंग पे बात करोगे। और ये इंडोर कंडीशन के अंदर माइक्रोफोन का आउटपुट है। तो ये है इसके माइक्रोफोन का आउटपुट। आप जब भी आप किसी से बात करोगे तो आपकी जो ऑडियो है वो माइक्रोफोन के थ्रू ऐसी जाएगी। इसके अंदर आपको ENC टेक्नोलॉजी दे रखी है और देखो फैन वगैरह नहीं चला, ऐसी कुछ आवाज है। बाकी शोर वगैरह होता तो भाई ऐसी ऑडियो जाने वाली है। बाकी आपको ना अंदाजा लग गया होगा कि बजट वाले जो ईयरबड्स है ना उनका जो माइक्रोफोन का आउटपुट कैसा है। और एक चीज, जब कॉल आती है और ये कान में लगे हों तो आपको कोई बहुत तेज लाउड आवाज नहीं आती, बहुत हल्की हल्की आवाज कॉलिंग की जो भी आपने रिंगटोन लगा के वो यहाँ पर सुनाई देती है। बाकी वीडियो यहाँ पर खत्म कर रहा हूँ। और अगर आपको भाई बढ़िया बढ़िया ईयरबड स्मार्ट वॉचेस या फिर गैजेट बाय करने ना, इंस्टाग्राम का जो पेज है यहाँ पर आ रहा होगा भाई, फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और ये जो ईयरबड्स है इन पे अभी सेल वगैरह चल रही है तो इनके भी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में बाय जरूर कर लेना, वरना इनकी प्राइसिंग बढ़ जाएगी, फिर मत बोलना कि भाई प्राइसिंग बढ़ गई। मैं मिलता हूँ एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर।